आज हम लोग सीखेंगे कि 3.765 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, रेशनल नंबर को कैसे ड्रा करते हैं, फिर रूट में 9.3 को कैसे ड्रा करते हैं, रूट टू को, रूट थ्री को, रूट फाइव को, सारा कुछ हमने सीख लिया है। अगर आपको देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना कि 3.76 को कैसे ड्रा करेंगे। तो देखो, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ड्रा करते चलेंगे और आपको समझाते रहेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमारा 3.765 हो किस नंबर के बीच में है। तो ये हमारा क्या होता है, 3 और 4 के बीच में आता है ना। तो देखो, तो हमने क्या किया, देखा कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में आता है, तो हमने सबसे पहले अपना 3 और 4 को यहाँ पे मार्क कर लिया लंबर लाइन पे। जब 3 और 4 मार्क कर लिया तो उसके बाद हमको कि सबसे पहले 3.7 को लेना है, कि इसके बाद हम देखेंगे 3.7 इस नंबर लाइन पे कहाँ आता है। तो 3 ये है, तो 3.1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो पॉइंट हो गया आपका 3.7, ये हमारा स्टेप वन हो गया कि हमको सबसे पहले क्या ड्रा करना है, 3.7 को ड्रा करना है। तो हमको देखना है किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हमने ये 3 और 4 किया और इसके बीच में जो सारे नंबर होते हैं उनको मार्क कर दिया। तो हमारा जो सबसे पहले 3.7 ये यहाँ पे आ गया, ठीक। अब हमको 3.7 मिल गया, अब किसको ढूंढना है हमको, अब हमको 3.76 को ढूंढना है, मतलब 3.7 के बाद हमको 3.76 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो 3.76 किसके बीच में आता है, ये आता है आपका 3.7 और 3.8 के बीच में। तो देखो, हमने वही चीज़ किया है, 3.7 को यहाँ पे ड्रा किया है, 3.8 को यहाँ पे मार्क किया है, और इसके बीच में जितने नंबर होते हैं 3.71 7 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा कि ये नंबर आ कहाँ रहा है। तो जब भी हमको ड्रा करना होता, हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको ऐसे स्केल से जोड़ देते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक। अब उसके बाद हमको यहाँ से ढूंढना था 3.76, तो हमने 3.76 यहाँ पे ढूंढ लिया कि हमारा 3.76 आ गया। तो देखो, अब इसके बाद 3.76 के बाद क्या है, 3.765, मतलब इसके बाद हमको 3.765 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 3.765 किसके किसके बीच में आता है, ये आता है हमारा 3.76 एंड 3.77 के बीच में आता है, ठीक है। तो हम इसी तरह 3.76 यहाँ पे हमने ड्रा किया है, ये हो गया 3.76 इसके और इसके बीच में आएगा, और ये हो गया हमारा 3.77। तो सेम उसी तरह हमने क्या किया, फिर इसको 10 पार्ट में डिवाइड करके 3.71 से लेके 3.79 तक सारा कुछ मार्क कर रखा है। तो इसमें हमको ढूंढ लेना है कि 3.76 कहाँ आएगा, तो 3.765 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा हो गया आंसर 3.765, ठीक है। तो इसी तरह हमें जितने भी डेसिमल के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसका जो सेकेंड पार्ट है 4.26 बार, इसको भी ड्रा करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है कि जब भी मैं वीडियो लाऊँ आपको पता चल जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।